दिल्ली एनसीआर में मौसम की बड़ी करवट, रात भर जमकर बरसे ओले। लगातार बारिश से गिरा दिल्ली में पारा, ठंड बढ़ने से दिल्ली वाले परेशान। 26 जनवरी तक दिल्ली वालों को ठंड का सामना करना होगा, मौसम विभाग ने जारी की बारिश की चेतावनी। पंजाब और हरियाणा के कई इलाकों में भी बारिश, कश्मीर की ठंडी हवाओं से शीतलहर, घरों में दुबके लोग। राजस्थान के जैसलमेर में ओले की बारिश, मौसम हुआ सर्द, ओला अटैक से फसलों को नुकसान। कश्मीर घाटी में जोरदार बर्फबारी, जम्मू श्रीनगर हाईवे पर ट्रैफिक पर लगा ब्रेक, जवाहर टनल को किया गया बंद। जम्मू कश्मीर के रामबन में आफत की बर्फबारी, हर तरफ सफेदी का कब्जा, सड़कों पर 2 से 3 फीट तक जमी बर्फ। राजौरी में भी भारी बर्फबारी से जनजीवन हुआ अस्त व्यस्त, हिमस्खलन की आशंका, प्रशासन ने जारी की एडवाइजरी। जम्मू कश्मीर के शोपियां में भी जोरदार बर्फबारी, सड़कों पर बिछ गई बर्फ की मोटी चादर। भारी बर्फबारी के बाद श्रीनगर में उड़ानों पर असर, सोमवार को 27 फ्लाइट हुई कैंसिल, आज भी हो सकता है उड़ानों पर असर। लद्दाख से लेकर कारगिल तक बर्फबारी का कर्फ्यू, कारगिल में तापमान -14 डिग्री तक लुढ़का, जनजीवन बुरी तरह प्रभावित। उत्तराखंड में पिथौरागढ़ के पहाड़ी इलाकों में जोरदार बर्फबारी, मैदानी इलाकों में बूंदाबांदी से बढ़ी ठंड। सफेद बर्फ के आगोश में केदारनाथ धाम, 5 से 6 फीट तक जमी बर्फ, न्यूनतम तापमान -10 डिग्री तक लुढ़का। देहरादून, हरिद्वार और उत्तरकाशी में बारिश और बर्फबारी का अलर्ट, मौसम विभाग की चेतावनी के बाद स्कूलों में छुट्टी। हिमाचल में भी बर्फबारी और बारिश ने बढ़ाई ठंड, अगले 36 घंटे में शिमला से किन्नौर तक बर्फ का अलर्ट। प्रधानमंत्री मोदी वाराणसी में आज करेंगे 15वें प्रवासी भारतीय दिवस सम्मेलन का उद्घाटन, 3 दिवसीय होगा कार्यक्रम। 15वें प्रवासी भारतीय दिवस सम्मेलन में मॉरिशस के प्रधानमंत्री प्रविंद जगन्नाथ भी लेंगे हिस्सा, उद्घाटन सत्र के बाद पीएम से वार्ता। पश्चिम बंगाल के मालदा में आज जिला प्रशासन की आपत्तियों के बावजूद अमित शाह का कार्यक्रम, रैली को संबोधित करेंगे बीजेपी अध्यक्ष। सुरक्षा कारणों का हवाला देकर मालदा जिला प्रशासन ने हेलीकॉप्टर लैंडिंग की इजाजत देने से किया है इनकार। विवाद से मुख्यमंत्री ममता बनर्जी से झाड़ा पल्ला, बोली हमने नहीं की रैली में अड़ंगा डालने की कोशिश, जिला प्रशासन को लेना है फैसला। सीबीआई के अंतरिम निदेशक नागेश्वर राव ने महकमे में किया बड़ा फेरबदल, 20 अफसरों का तबादला, बदले गए 2G केस के प्रभारी। मध्य प्रदेश में धर्म परिवर्तन कराने के फर्जी मुकदमों को वापस लेने की तैयारी, ईसाई समुदाय के लोगों की कानून मंत्री से मांग। इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच ने शिक्षक भर्ती परीक्षा के परिणाम प्रकाशित करने पर लगाई रोक, 59,000 होंगे प्रभावित। पश्चिम बंगाल में 3 बीजेपी कार्यकर्ताओं की हत्या की जांच सीबीआई से कराने के मामले में दायर याचिका पर सुप्रीम कोर्ट करेगा सुनवाई। आज देश भर में पटाखे के बैन को लेकर दायर याचिका पर सुप्रीम कोर्ट में हो सकती है सुनवाई, याचिका में बैन हटाने की मांग। स्विट्जरलैंड के दावोस में आज से दुनिया भर के दिग्गजों का जमावड़ा, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम का होगा आगाज। 5 दिन तक चलेगी बैठक, सम्मेलन में भारत के 100 से ज्यादा कंपनीज के सीईओ होंगे शामिल। मुख्यमंत्री के तौर पर वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम में शिरकत करने दावोस पहुंचे कमलनाथ, 17 बार ले चुके हैं हिस्सा। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप, ब्रिटेन की प्रधानमंत्री थेरेसा मे समेत पुतिन बैठक में नहीं होंगे शामिल, घरेलू कारणों से बनाई दूरी। बेंगलुरु के रिजॉर्ट में कांग्रेस विधायकों के साथ मारपीट करने वाले विधायक जेएन गणेश सस्पेंड, पुलिस ने दर्ज की एफआईआर। हैकिंग ड्रिल में भारत के साइबर एक्सपर्ट सैयद शुजा ने किया ईवीएम हैक करने का दावा, कहा 2014 चुनावों में हुई थी गड़बड़ी। लंदन में ईवीएम हैकिंग डील में कपिल सिब्बल के शामिल होने पर विवाद, बीजेपी ने कांग्रेस पर लगाया देश को बदनाम करने का आरोप। साइबर एक्सपर्ट के ईवीएम हैकिंग के दावे को चुनाव आयोग ने किया खारिज, सीईसी ने कहा भ्रम फैलाने पर कानूनी कार्रवाई करने पर विचार। मोदी के खिलाफ विपक्ष ने तेज की हमले की धार, अखिलेश बोले देश को नए पीएम का इंतजार। विपक्षी एकता पर अरुण जेटली ने ब्लॉग के जरिए साधा निशाना, कहा मोदी को चुनौती देने के लिए पीएम पद पर 4 दावेदार। राजस्थान में गहलोत सरकार ने पलटा वसुंधरा सरकार का फैसला, अटल सेवा केंद्र का नाम फिर से किया जाएगा राजीव सेवा केंद्र।
गहलोत ने कोर्ट के आदेश का दिया हवाला, कहा मजबूरन अटल सेवा केंद्र का नाम फिर राजीव सेवा केंद्र करना पड़ेगा। मध्य प्रदेश में मंत्री नहीं बनाए जाने से खफा बीएसपी विधायक की कमलनाथ को चेतावनी, बोली कहीं यहां भी कर्नाटक जैसा हाल ना हो। जी, हमें उन पे विश्वास है कि वो लौट के आए और हम लोगों को मंत्री पद देंगे। अगर नहीं बनाएंगे तो वही कर्नाटक जैसी स्थिति हम का दूसरे लोग सोच रहे ना जा बात। तो पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी का सिलीगुड़ी दौरा, कहा विकास के लिए दिल्ली दरबार की दरकार नहीं, राज्य सरकार है सक्षम। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल का ऐलान, केंद्र की असहमति के बावजूद 2500 रुपए प्रति क्विंटल की दर से खरीदी जाएगी धान। छतरपुर में सरकारी स्कूल की बदहाली पर भड़के कांग्रेस विधायक, औचक निरीक्षण के दौरान अफसरों को जमीन पर बैठाकर ठंडे का एहसास कराया। जमशेदपुर में डांस करते और ढोल बजाते देखे गए पूर्व मुख्यमंत्री अर्जुन मुंडा, आदिवासी सांस्कृतिक समारोह में हजारों लोग हुए शामिल। असम त्रिपुरा बॉर्डर के पास पुलिस ने 30 रोहिंग्या को किया गिरफ्तार, बस से गुवाहाटी जाने की कोशिश। असम के बारपेटा जिले में गायिका पर नशेड़ी ने किया हमला, लोगों ने मौके पर आरोपी को पकड़कर पीटा। लखीमपुर खीरी में रोडवेज की बस की वजह से लगी जाम से बीजेपी विधायक को आया गुस्सा, डिवाइडर पर धरने पर बैठे। यूपी पुलिस के मुखिया का आदेश, निजी समारोह में नहीं जाएंगी यूपी की घुड़सवार पुलिस। सूरत में दूल्हा दुल्हन की नए मैरिज कार्ड पर लिखा राफेल डील में नहीं हुआ घोटाला, पीएमओ ने दूल्हा दुल्हन की तारीफ में लिखी चिट्ठी। कर्नाटक के होस्पिते रेलवे स्टेशन में ट्रेन में चढ़ते वक्त यात्री फिसला, प्लेटफॉर्म में तैनात आरपीएफ के जवान ने बचाई जान। नोएडा में घर की दीवार तोड़कर 6 भैंसों को ले उड़े बदमाश, सदमे में बुजुर्ग महिला की हुई मौत। उत्तराखंड में स्वाइन फ्लू का कहर, विदेशी नागरिक समेत 9 की मौत, 19 अस्पताल में भर्ती। कुंभ मेले में चल रहे अवैध एलपीजी रीफिलिंग सेंटर में लगी आग, पंडाल जलकर खाक, लाखों का नुकसान। राजगढ़ में कर्ज माफी की लिस्ट से कई किसानों के नाम गायब, अफसरों के सामने भटकते दिखे परेशान किसान। मोतिहारी में प्रखंड दफ्तर में ग्रामीणों ने जड़ा ताला, राशन वितरण में गड़बड़ी को लेकर बवाल। दिल्ली में ऑल इंडिया सबरीमला एक्शन कमेटी का विरोध प्रदर्शन, सबरीमला की परंपरा बचाने की मांग। दिल्ली के खिचड़ीपुर में गाय की चोरी, सीसीटीवी में कैद हुई पूरी वारदात। दिल्ली के नजफगढ़ में फैक्ट्री की गिरी दीवार, मलबा हटाने में देरी की वजह से 2 लोगों की दम घुटने से हुई मौत। दिल्ली के अलीपुर में खेत से बरामद हुआ महिला का शव, हत्या के बाद शव को कई टुकड़ों में काटा गया। गुरुग्राम में पत्नी की खौफनाक साजिश का खुलासा, 16 लाख की सुपारी देकर पति की कराई हत्या, 7 लोग गिरफ्तार। राजधानी दिल्ली में शातिर चोर ने कारोबारी के घर से उड़ाया 10 लाख कैश, चोरी की वारदात सीसीटीवी में कैद। शाहजहांपुर में नवजात बच्ची को जिंदा दफनाने के मामले में पुलिस ने तांत्रिक समेत माता पिता को किया गिरफ्तार, भूत प्रेत से छुटकारा पाने के लिए वारदात। लखनऊ के क्रिकेट स्टेडियम के पास एक महिला का शव सूटकेस में बरामद, महिला का चेहरा जलाकर पहचान मिटाने की कोशिश। नोएडा में चोरी और लूट की कई वारदात में शामिल 4 बदमाशों को पुलिस ने दबोचा, पिस्टल कारतूस समेत चोरी की कार बरामद। गाजीपुर में ग्राहक सेवा केंद्र के संचालक से 2 लाख की लूट, विरोध करने पर बदमाशों ने मारी गोली। फतेहपुर में पुलिस ने NH2 से 13 पशु तस्करों को दबोचा, 100 से ज्यादा भैंसों को पुलिस ने किया बरामद। हरदोई में जिला निर्वाचन कार्यालय के गोदाम में लगी आग, पुराना फर्नीचर और फाइल जलकर हुई खाक। गाजियाबाद में जिला कार्यालय परिसर में लगी भीषण आग, कड़ी मशक्कत के बाद आग पर पाया गया काबू। कानपुर में मकान मालिक और किराएदार का विवाद सुलझाने गए दारोगा की पिटाई, मकान मालिक ने दौड़ाकर पीटा। कानपुर में देह व्यापार के शक में होटल में छापेमारी, हिरासत में लिए गए 8 लड़के और 8 लड़कियां। झांसी में छात्रों के 2 गुटों में हुई मारपीट, पुलिस के बीच बचाव से खत्म हुआ विवाद। मथुरा में जवाहर बाग कांड केस में 45 दोषियों को मिली 3 साल की सजा, 2 महिला आरोपी हुई दोषमुक्त। बिहार के सुपौल में शराब की खेप के साथ 4 गिरफ्तार, लग्जरी गाड़ी से शराब की करते थे तस्करी। कटिहार में सरकारी स्कूल में खसरा रुबेला टीका लगाने से 2 दर्जन छात्र की बिगड़ी तबीयत, लापरवाही पर जांच के आदेश। बिहार के बक्सर में दिन दहाड़े गोली मारकर युवक की हत्या, परिजनों ने किया हंगामा। झारखंड सरकार ने बच्चों को बेचने के आरोप में 16 एनजीओ का लाइसेंस किया रद्द, विपक्ष ने अल्पसंख्यक संस्थानों पर निशाना साधने का लगाया आरोप।
इंदौर के नामी स्कूल में सातवीं के छात्र के साथ हॉस्टल में यौन शोषण, पुलिस ने 11वीं क्लास के दो छात्र को पॉक्सो एक्ट में गिरफ्तार किया। दमोह में पुलिस की गाड़ी से मासूम की मौत के बाद हंगामा, लोगों ने दमोह पन्ना मार्ग को किया बंद। मंदसौर में हत्या के आरोपी ने थाने में सलाखों पर सिर पटक कर खुद को किया घायल, अस्पताल में भर्ती। रोहतक में एसपी दफ्तर के पास पुलिसकर्मी की जूते चप्पल से पिटाई, पेशी के दौरान आरोपियों के परिवार वालों ने किया हमला। गुरुग्राम में क्राइम ब्रांच की टीम पर एक शख्स पर फायरिंग करने का गंभीर आरोप, वारदात सीसीटीवी में कैद। महाराष्ट्र के अकोला में दारोगा पर लगा शादी का झांसा देकर रेप का आरोप, फेसबुक के जरिए हुई थी दोस्ती। महाराष्ट्र के औरंगाबाद में कस्टडी में योगेश रोहिदास राठौड़ की मौत पर बवाल, जेल अधीक्षक को गिरफ्तार करने की मांग। अकोला में 3 दिन के भीतर 2 तेंदुए के बच्चों की मौत, वन कर्मियों का दावा मां से अलग होने की वजह से हुई मौत। ओडिशा के मयूरभंज में आवारा कुत्तों के हमले में बच्चे की मौत, स्कूल जा रहा था 7 साल का बच्चा। ओडिशा के नवरंगपुर में पत्नी ने पति को चाकू से गोदा, अवैध संबंध के शक में वारदात, पति की हालत गंभीर। बर्दवान में पुलिस ने चेकिंग के दौरान कार से 500 से ज्यादा कछुओं को किया बरामद, पुलिस ने बाप बेटे को किया गिरफ्तार। धमाल सीरीज का तीसरा पार्ट धमाल मचाने को तैयार, अजय देवगन, अनिल कपूर और माधुरी दीक्षित आएंगे नजर। शाहरुख बनाएंगे डॉन सीरीज की आखिरी फिल्म, सारे जहां से अच्छा की शूटिंग खत्म करने के बाद डॉन 3 की होगी शूटिंग। फिर विवादों में आया आदित्य पंचोली का नाम, कार मैकेनिक को दी जान से मारने की धमकी, FIR दर्ज। ऑस्ट्रेलिया में विजयी परचम लहराने के बाद न्यूजीलैंड से टीम इंडिया की भिड़ंत, नेपियर में खेला जाएगा पहला वनडे मैच। दोनों टीम खेलेगी 5 वनडे और 3 T20 मैचों की श्रृंखला, रॉस टेलर ने कहा टीम इंडिया के टॉप ऑर्डर से सावधान रहने की जरूरत। ऑस्ट्रेलिया में टेस्ट सीरीज जीतने के साथ टीम इंडिया की बादशाहत कायम, ICC की टेस्ट रैंकिंग में भारत के 116। नोवाक जोकोविच ऑस्ट्रेलियाई ओपन टेनिस टूर्नामेंट के क्वार्टर फाइनल में पहुंचे, दानिल मेदवेदेव से कांटे की टक्कर के बाद जीत। अमेरिका की सेरेना विलियम्स 12वीं बार ऑस्ट्रेलियन ओपन के क्वार्टर फाइनल में पहुंची, रोमानिया की सिमोना हालेप को 3 सेटों के मैच में दी मात। पाकिस्तान के लासबेला में बस और ट्रक की भीषण टक्कर, हादसे के बाद बस में लगी आग, 26 लोगों की मौत। ब्रिटेन की पीएम थेरेसा मे ने संसद में पेश किया ब्रेग्जिट प्रस्ताव, करीब 2 महीने की बची है मियाद। इजरायली फौज ने सीरिया में तैनात ईरान के कुछ सेना पर साधा निशाना, सीरिया का दावा हवा में ही तबाह हुई मिसाइल। लेटेस्ट खबरों के लिए यू ही देखते रहिए आज तक, और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।